टेस्टिमनी के बाद। पर इन सबके बीच में हमारे लिए जो दिक्कत है वो दिखाइए स्क्रीन पर डॉक्टर साहब, और सुबह से टिकट टीम चला ही रही है आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट एक दशक के हाईस पर कच्चा तेल, ब्रेंट 116-117 डॉलर्स के लेवल्स, कल जब हम मार्केट्स का क्लोज दे रहे थे 3:30 बजे तब ब्रेंट 111-112 पे था। इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का उछाल कच्चे तेल में बना हुआ है। कल तो ओपेक की बैठक भी आनी थी, आउटकम आना था, ये कच्चे तेल इस तरह का उबाल क्यों दिखा रहा है? ओपेक ने हाथ खड़े कर दिए, मैं 4 लाख बैरल से एक बूंद आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि प्राइस को भी चाहते हैं उछला रहे, उनको ही फायदा है। तो 31 मार्च तक की डील थी, उन्होंने कहा अप्रैल के आगे भी यही कंटिन्यू रहने की संभावना, यानी 4 लाख बैरल ही बढ़ेगा, तो उससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली। दूसरा, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि वो 6 करोड़ बैरल ऑयल रिलीज कर सकते हैं, ये सब खबरें कल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ओपेक की तरफ से जो उम्मीद थी उसमें कुछ नहीं हुआ, और आईए वाली खबर पुरानी है इसलिए कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ ये क्रूड इस तरह से इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो युद्ध कंटिन्यू है। और मैं आपको 2-3 बातें बताऊं, देखो एक तो गैस की जो कीमतें हैं इंटरनेशनली वो जबरदस्त 60% आप सोच सकते हैं, यूरोप में जो गैस ट्रेड होती है वो टीटीएफ एक्सचेंज है हॉलैंड में, उसके थ्रू होती है, 60% वहां पे दाम बढ़ गए हैं, $219 की प्राइस है। इटली ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो एक उनका एलएनजी प्रोजेक्ट हो रहा है उससे अपने आप को बाहर कर लिया, सैंक्शन के तहत सजा देने के लिए, रूस को परेशान करने के लिए वो उसमें से बाहर निकल गए हैं। अगर इस तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे तो क्रूड कैसे नीचे आएगा, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव क्या है, फिर क्रूड की डिमांड बढ़ रही है, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं है, इसलिए क्रूड लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, $118 वो टच कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता है। अब दूसरे एक और बयान, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान, जो इस पूरी ऑयल का सबसे बड़ा बयान है, व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि वो इस बात के लिए ओपन है कि रशिया के एनर्जी सेक्टर को भी हम बैन करेंगे। अब इस बयान के बाद रुकेगा ऑयल क्या? बैन करेंगे मतलब रशिया अभी वो सैंक्शन बिल्कुल भी ओपेक प्लस में कंट्रीब्यूशन रशिया का आना बंद हो जाएगा? नहीं, आप करोगे कैसे? अभी वो सैंक्शन का पार्ट नहीं है, आप अभी उसके पेमेंट मैकेनिज्म तो फॉल्टर कर ही गया है। पेमेंट मैकेनिज्म पूरी तरह से फॉल्टर नहीं किया, कल मैंने वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता देखिए और हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात कर रहे थे वो, जेड तरह मैंने उसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ हमने इसको अभी इसलिए बाहर रखा है क्योंकि वो सिर्फ रशिया को सजा नहीं होगी, पूरी दुनिया उसकी सजा भुगतेगी। हमने को तो अभी भुगत रहे हैं, अभी सुबह का बयान है कि वहां की प्रेस सेक्रेटरी कह रही कि ये हम ओपन है, हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे बयानों के बीच में क्रूड कैसे रुकेगा, मुझे चिंता इस बात की है। क्रूड आपके स्क्रीन पर आप देखें, जो हाउस व्यूज हैं, जेफ्रीज $150 प्रति बैरल है, नीरज जी की कमेंट्री आपने सुनी, ओपेक का अगर आप देखें फैसला कोई ऐसा सब्सटेंशियल नहीं है जो इस लेवल्स को चेंज कर दे। हमारे साथ इस बीच बातचीत करने के लिए आशीष मौजूद हैं, प्रशांत वशिष्ठ साहब ग्रुप हेड एंड वीपी इकरा के बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर वाकई अगर आप देखें आज तो इनफैक्ट मैं जो वायरस की खबरें देख रहा हूं उसके मुताबिक क्यू पर हमला और तेज हो गया है। जो स्थिति है अभी नीरज जी कमेंट्री में कह भी रहे थे कि जब तक ये स्थिति कायम रहेगी क्रूड को अगर आप देखें बांधना मुश्किल है किसी दायरे में। आपकी राय क्या है सर, मौजूदा सूरत हाल में क्रूड किस तरफ जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए ऑलरेडी क्रूड की पार्सल्स जो रशिया के हैं वो कुछ ट्रेडर्स एंड रिफाइनर्स लेने से चूक रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि कुछ रेपुटेशनल डैमेज मानते हैं इसको लेना, कुछ आर नॉट श्योर कि हाउ द बैंक क्रेडिट्स कैसे काम करेंगे। तो ये और जो जो सैंक्शंस की बात जो पहले आप लोगों ने करी कि इवन यूएस भी अब सैंक्शंस की तरफ देख सकता है ऑयल एंड गैस के, रशियन ऑयल एंड गैस पे, तो डेफिनेटली क्रूड को बायस तो अपवर्ड ही है, बढ़ने के ही चांसेस हैं ऊपर। ओके, आई थिंक प्रशांत जी से हमारा संपर्क टूट गया आशीष, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें जो जैसे कि अगर आप देखें नीरज जी कह ही रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त लेवल डिटरमाइन करना काफी मुश्किल है, इट्स अ स्विंग। याद रखिएगा कल जो हमने आपको एक चार्ट दिखाया था, प्लीज मेरे ख्याल से प्रशांत जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी हाँ प्रशांत जी, आप कह रहे थे कि अब यूएस के रुख के बाद ऊपर की ट्रेजेक्टरी क्या होगी इसको तय करना मुश्किल है, प्लीज अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करिए। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि जी देखिए एग्जैक्टली कितना जाएगा, कैसे कहां तक पीक जाएगी कहना मुश्किल है, बट चांसेस ऊपर के ही हैं क्योंकि एक तो यूएस सैंक्शंस की वो है मार पड़ सकती है, सेकेंडली एज इट इज रिफाइनर्स और ट्रेडर्स अभी इस क्रूड को छूना नहीं चाह रहे हैं ज्यादातर क्योंकि एक तो बैंक क्रेडिट्स कैसे काम करेंगे और रेपुटेशनल डैमेज की वजह से।
कहना बड़ा मुश्किल है कच्चे तेल कहां तक जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है कि ये इश्यू यूक्रेन रशिया का क्राइसिस कितना और एस्केलेट होता है, कितने दिन और लिंगर करता है। जितना लिंगर करेगा, जितना खिंचेगा, उतना कच्चा तेल और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। पर प्रशांत जी, आप लोग इकरा में आई एम श्योर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते रहते होंगे, गिवन कि कच्चा तेल $115 के ऊपर कामकाज कर रहा है, आप लोगों के लिहाज से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं उभरते बाजारों में भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कच्चा तेल का उबाल, क्योंकि हम बहुत बड़े नेट इंपोर्टर हैं, $115 गिवन ले लिया जाए कांस्टेंट, कितनी बड़ी दिक्कत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सर? अगर कच्चे तेल का $115 ले लिया जाए तो डेफिनेटली काफी हाई है। एक तो पहली बात ये देखिए कि जो हमारी रिफाइनरी की अभी जो आउटपुट है इस टाइम प्राइसेस एक लेवल पे ही रोकी गई थी, तो वो 81-82 के हिसाब से है। तो अगर आप 60-65 पैसे पर डॉलर का हिसाब लगाएं तो करीब, अगर हम 35 रुपए का देखें तो करीब 17-18-20 रुपए तक, तो एक तो रेट ही बढ़ना चाहिए आगे अगर 115 का आ जाता है। अगर इतने प्राइस पे नहीं गवर्नमेंट अलाउ करती या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं ले जाती तो उनको अंडर रिकवरीज होंगी, पहली बात तो ये है। इसके अलावा जो वाइडर इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो यही होगा कि आपका कैड बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट और गिरावट होने की संभावना है, इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आएगा और ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, वो सब अलग है। 115 पे अगर वीरू मान लिया जाए तो प्रशांत जी कह रहे हैं 17 से 20 रुपए का प्राइस हाइक की और जरूरत पड़ेगी। प्रशांत जी, मुंबई में तो 105 रुपए पे ऑलरेडी पेट्रोल चल रहा है, 117 हो गया तो 122 125 पे पहुंच जाएंगे हम लोग पर लीटर। बड़े ठीक है, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन। हाँ, exactly. और ये तो अभी और कच्चा तेल तूल पकड़ रहा है और 7 तारीख वो लास्ट फेज थोड़ा सा दूर है। प्रशांत सर, थैंक यू सो मच, जरूरत पड़ी तो आपको फिर से टच में आएंगे हम लोग। कच्चा तेल और उबाल पकड़ता है, लेकिन आज के वो कैलकुलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरू भाई। 17-20 रुपए और देने की तैयारी करनी है। मैं आर्टिकल आशीष का एक पढ़ रहा था। हाँ। तो उसमें 125 लिखा हुआ आ रहा था कि जनाब अगली बार जब आप टैंक भरवाएंगे अपना तो 125 चुकाइएगा। मेरे को लग नहीं रहा था वास्तविकता होगी, लेकिन लग रहा है अब लग रहा है कि हाँ वो वास्तविकता होगी। मैं आशीष इस बात को लेकर अगर आप देखें, सोच रहा था कल नीरज जी भी बात कर रहे थे इस पे कि हमारा जो पूरा अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे था उसमें जिस ट्रेजेक्ट्री में क्रूड को अगर आप देखें रख कर सारे मापदंड तय किए गए वो था $75 प्रति बैरल, और वहां से आप समझ लीजिए कि आप लगभग $40 प्रति बैरल ऊपर आ चुके हैं अब आशीष। बाप, बिल्कुल सही, सारे कैलकुलेशन से बाहर जाते हुए, और ये जितना खिंच रहा है उतनी दिक्कतें और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया क्रूड और ग्लोबल मूड की बात, बढ़िया तरीके से नीरज बाजपेयी ने समझा दिया। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस जस का तस बना हुआ है, कोई डीएस्केलेशन नहीं हुआ है, 8वां दिन कंटिन्यू। बस एक रिलीफ जो स्क्रीन पर आ रहा है वो फेड चेयरमैन जर्मी पावल साहब का बयान उनकी टेस्टिमनी के थ्रू, क्योंकि हम सब ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स 50 बेसिस पॉइंट्स मार्च की उस बैठक को डाइजेस्ट करके गए। पावल साहब कह रहे हैं रशिया अनसर्टिनिटी के चलते शायद 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ फेड शायद कदम उठाए, तो एक वो रिलीफ थी कि बहुत एग्रेसिव शायद एक मुश्त वो हाइक ना आए, 25 बेसिस पॉइंट्स का टोकन जेस्चर शुरुआत में देखने को मिले। ये हो गया ग्लोबल क्यू का राउंड अप आपके लिए, पर फिर एक्सपायरी का दिन है।